सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। दोस्तों ये है मुस्कान की ताकत। दूसरों से अपनी तुलना कभी मत करो। जो आप दूसरों की सोशल मीडिया देखकर प्रभावित होते हो वो केवल उनकी जिंदगी की लाइमलाइट से, असल जिंदगी कुछ और ही होती है। आज का पंचांग 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार, मांग मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 8:54 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 10:06 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:18-1:01 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 3:24-4:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार, दादा दादी या किसी करीबी रिश्तेदार की मृत्यु आपको घर वापस जाने के लिए प्रेरित करेगी। माता पिता और प्रियजनों के साथ होने से अकेलेपन या दुख से राहत मिलेगी। उज्जवल सपने आकर्षक दृश्य दिखाते हैं। अपने आप को आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विचारों के लिए समय दें। अपने क्षितिज का विस्तार और नए लोगों के साथ बातचीत आपके सफल होने का एक मौका है। लोगों से सामाजिक और भावनात्मक रूप से बात करें। याद रखें कि यह सब मनुष्य के नैतिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अतीत पर ध्यान मत दो, अपने मन को वर्तमान पल में केंद्रित करो। आरामदायक दिन व्यतीत होगा, मन मुताबिक और कलात्मक कार्यों में रुचि रहेगी। आप फ्रेश और तनाव मुक्त रहेंगे और अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए विवाह संबंधित बात चल सकती है। आपको डर का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। डर का सामना करने के बाद ही जरूरी कामों में बदलाव कर पाएंगे। नकारात्मक परिस्थिति को आप अपनी हार न मानते हुए प्रयत्न जारी रखें। समस्याओं को सुलझाने के लिए समय उपयुक्त है। अपने काम को अलग तरीके से करने की कोशिश करें, इसी के जरिए नए क्लाइंट मिलेंगे। अपने लिए नाराजगी न रखें, रिलेशनशिप संबंधित नकारात्मकता दूर होगी। एसिडिटी के कारण अपचय की तकलीफ भी हो सकती है। सावधानियां, व्यक्तिगत अथवा परिवार से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज न लें। आप किसी दुविधा में बुरी तरह फंस सकते हैं जिसका असर परिवार पर भी पड़ेगा। युवा वर्ग बेकार की गतिविधियों में मस्त रहने की वजह से अपना नुकसान लेकर बैठेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में अनुशासित और व्यवस्थित माहौल रहेगा। विवाहेतर संबंधों का प्रभाव आपके घर की सुख शांति पर पड़ सकता है। परिवार के साथ कोई मनोरंजन प्रोग्राम अवश्य बनाएं। प्यार में मिली धोखाधड़ी या ठगी आपकी जिंदगी में मुश्किलें उत्पन्न कर सकती है, लेकिन इनसे न डरें। आपका आपके साथी के प्रति भरोसा इतना अटूट होना चाहिए जो किसी भी अफवाह से न टूट पाए। लव लाइफ में यौन सुख या अंतरंगता का आनंद लें। आपका आज का व्यस्त कार्यक्रम आपको अपने पार्टनर से दूर रखेगा, लेकिन एक कार्ड्स या आई लव यू का छोटा सा मैसेज भेज के आप अपने प्यार को व्यक्त कर सकती हैं। अपने दोस्तों की संख्या को बढ़ाएं और नए लोगों से बातचीत करें। बात करते हैं करियर की। यह समय विदेशियों के साथ दीर्घकालिक निवेश के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि आपका भाग्य भी आपके साथ है। आज कोई रहस्यमय घटना आपको अपने स्वप्न पूरा करने की प्रेरणा दे सकती है। अभी कीमती सामान की खरीद या बिक्री से बचें। आज जिद्दी ना बनें और बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें। अपने क्षितिज का विस्तार करने और नई चीजों पर विचार करके सफलता हासिल करने का यह अच्छा समय है। लोगों से मिलते जुलते समय खुद के प्रति ईमानदार रहें। लोग आपको आपके बारे में आपको वो सिखा सकते हैं जो आप खुद के बारे में भी नहीं जानते। अनुभवी लोगों की मदद से बिजनेस में नए कामों की योजनाएं बनेगी और काम भी कर लेंगे। बिजनेस में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आपकी लापरवाही से कर्मचारी भी काम पर ध्यान नहीं देंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस में फायदेमंद स्थिति बन रही है। बात करते हैं सेहत की।
कभी कभी आपकी विचलित मानसिक स्थिति का नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। मेडिटेशन, योग आदि करना इसका बेहतरीन समाधान है। एसिडिटी के कारण भी पेट थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की विधिवत पूजा आराधना करें, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।